तुम इतने गुस्से में क्यों हो साशा? मार्सी की वजह से, वो बहुत बुरी है, बहुत बुरी। मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। पर क्यों? क्या हुआ? वो फिसल कर गिर गई थी, साशा ने उसकी उठने में मदद की। हाँ, लेकिन मुझे शुक्रिया कहने की बजाय उसने कहा मैंने तुम्हारी मदद नहीं मांगी। अकड़ू। ओह, अब मैं समझ गया। चलो आ जाओ, यहाँ बैठो, एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ तुम्हें। ये कहानी सुनेंगे। बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में एक पेड़ पर एक जुगनू रहता था। उसका नाम था ग्लोजी, और तुम्हें तो पता है जुगनू की खास कला के बारे में। ग्लोजी अपने शरीर को रात के वक्त चमका सकता था। हाँ, वो बिल्कुल बाकी जुगनुओं की तरह जादूगर था। ग्लोजी को अपने चमकने की कला पर बहुत गर्व होता था, लेकिन अच्छी बात थी कि वो सभी की मदद करता था। ओ नहीं, लगता है कि बच्चे खो गए हैं। मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। मैं अपने दोस्तों को इकट्ठा करता हूँ। दोस्तों, मेरे साथ आओ जल्दी, कुछ बच्चे अपना रास्ता खो गए हैं, हमें उन्हें रास्ता दिखाना है। तो तुम्हें लगता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, चलो एक साथ चमकते हैं। ठीक है। शुक्रिया जुगनुओं, चलते हैं। कुछ दिनों के बाद ग्लोजी ने दो कौवों को जंगल में देखा। समझ नहीं आ रहा कि ये दोनों कौवे कहाँ से आए हैं। देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये यहाँ के रहने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये दोनों भी खो गए हैं, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। अब फिर से क्या हो गया ग्लोजी? मुझे फिर से तुम्हारी मदद चाहिए। कुछ कौवे जंगल में भटक गए हैं। कौवे? कौवे कैसे भटक सकते हैं? क्या वो उड़कर नहीं जा सकते? नहीं, तुम खुद आकर देख लो। मुझे लगता है कि वो उड़ नहीं सकते हैं, उन्हें कुछ तो परेशानी है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मुझे माफ करो ग्लोजी, मुझे नहीं लगता कि मुझे कौवों की मदद करनी चाहिए। वो हमसे भी तेज है, वो उड़ सकते हैं, वो अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। ठीक है, नहीं आना है तो मत आओ, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। ग्लोजी, ग्लोजी रुक जाओ, मत जाओ। ये आराम करने के लिए कितनी अच्छी जगह है, आगे उड़ने से पहले कुछ देर यहीं सो जाते हैं। हाँ, सच में, अगर थोड़ा खाना भी होता तो। इस वक्त इस जंगल में तुम्हें क्या मिलेगा? ए, देखो ये क्या अजीब सी चमकती हुई चीज हमारी तरफ आ रही है। अब मैं अपनी रोशनी चमकाऊंगा, कौवे मुझे देखेंगे और फिर पीछे आएंगे। अरे ये तो एक जुगनू है, क्या किस्मत है, ये रहा मेरा खाना। बेचारा प्यारा ग्लोजी, काश वो समझ सकता कि हर किसी को मदद की जरूरत नहीं होती है। तो तुमने देखा साशा, हर कोई हमारी मदद के लायक नहीं होता। हमें किसी की मदद करने से पहले अच्छे से सोचना चाहिए। कुछ लोगों की मदद करना अच्छा नहीं होता, और कुछ लोग तो इसका फायदा भी उठाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना। जी दादाजी, मैं हमेशा याद रखूंगी। ठीक है, अब क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझे वो रिमोट पकड़ाओगी जरा, हम थोड़ी देर टीवी देखते हैं। जी दादाजी, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।